लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका जल्दी जल्दी सब लोगों ने लाइव ज्वाइन कर लेना है लेक्चर के लिए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद चलो फटाफट सब लोग लाइव आ जाओ जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को <coughs> जल्दी जल्दी से लाइव ज्वाइन कर लेना है लेक्चर को सब लोगों ने चलो जल्दी जल्दी से आ जाओ कल हमने एक चैप्टर खत्म कर दिया है एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन जैसे मैंने आपको कल बताया था कि टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट लेसन दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चलो जल्दी जल्दी इसे सब लोगों ने लाइव ज्वाइन कर लेना है लेक्चर को फटाफट लाइव आ जाओ सब लोग चलो Yes. बाकी के लोग कहां पे हैं चलो जल्दी जल्दी से ज्वाइन करो जल्दी जल्दी सब लोगों ने ज्वाइन कर लेना है लेक्चर के लिए फटाफट आ जाओ सब लोग यस <coughs> yes. बहुत कम लोग जो है वो लाइव लेक्चर में मुझे दिख रहे हैं फिलहाल जल्दी जल्दी से ज्वाइन करना है सब लोगों ने दिन ब दिन लाइव लेक्चर अटेंड करने वालों लोगों की क्वांटिटी जो है वो कम होती जा रही है यस ठीक है चलो जितने लोग ज्वाइन हो गए उनके लिए लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं देखते हैं बाकी के लोग जो है तब तक ज्वाइन करेंगे तो आज का जो आपका चैप्टर है वो है ऑर्गेनिजम एंड पॉपुलेशन आई होप कि आप सब लोगों ने चैप्टर को प्रॉपरली रिवाइज कर लिया है सो दैट वी कैन डिस्कस सम एमसीक्यूज ओके तो स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर फर्स्ट एंड द क्वेश्चन इज आपके सामने है दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के जो है वो है आपका पॉपुलेशन एट्रीब्यूट और दूसरा जो आपने देखा था पॉपुलेशन इंटरक्शन ओके तो उसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो एग्जैक्टली exactly ये पॉपुलेशन जो है वो क्या है ये पूछा गया आपको इट्स अ स्पेसीज ऑफ कम्युनिटी इज इट अ कम्युनिटीज इन एन इकोसिस्टम इज इट इंडिविजुअल्स इन अ फैमिली और इंडिविजुअल्स इन अ सेम स्पेसीज चलो चैट बॉक्स में रिप्लाई डालना है आपको जल्दी जल्दी ओके फटाफट आंसर करना है क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन एंड दे आर आस्किंग यू वॉट एग्जैक्टली द पॉपुलेशन इज ज इट अ स्पेसीज ऑफ कम्युनिटी और कम्युनिटीज इन एन इको सिस्टम इंडिविजुअल्स इन अ फैमिली और इंडिविजुअल्स इन अ सेम स्पेसीज टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर एरिया ओके ऑफ अ सेम स्पेसीज ऐसा बोल सकते हैं तो जल्दी जल्दी रिप्लाई कर देना है चैटबॉक्स में क्या आंसर आएगा वो डाल देना है कम लोगों ने आंसर डाला है सब लोगों ने रिप्लाई करना है जल्दी जल्दी से करो चलो फटाफट रिप्लाई कर दो तो, बहुत सिंपल है पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ यस जैसे मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूं सब लोगों ने आंसर किया है और ऑप्शन कौन सा करेक्ट है लास्ट वाला दैट इज ऑप्शन डी द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सेम स्पेसीज विल कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सेम स्पेसीज उसका क्या फॉर्म होगा पॉपुलेशन फॉर्म होगा इस पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट हमने पड़े थे नेटेलिटी मोर्टेलिटी उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रोथ रेट एज स्ट्रक्चर तो इस बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू ओके ये आपके सामने है द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज विच लिव एंड इंटर टूगेदर इन द इको सिस्टम आर कॉल्ड एज चलो अभी ये अगले लेवल पे जा रहा है

तो ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने था राइट आंसर इज गोइंग टू बी द सेकंड ऑप्शन दैट इज ऑप्शन बी थर्ड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आपके सामने है द द द बिटवीन इन कम्युनिटी आर कॉल्ड कम्युनिटी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में जो इंटरक्शन हो रहे हैं उन इंटरक्शन को हम क्या बोलेंगे आर दे फिजिकल इंटरक्शन आर दे केमिकल इंटरेक्शन और बायोलॉजिकल इंटरैक्शन या फिर आएगा

Yes, अभी आ रहे हैं वेरी गुड चलो थोड़ा सा लेक्चर अगर पीछे चल रहा है तो उसको आगे कर लो क्या आएगा आंसर बोलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये द इंटरैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी आर कॉल्ड एज फिजिकल इंटरैक्शन केमिकल इंटरक्शन बायोलॉजिकल इंटरक्शन और इनहेरिटेंस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली सिंपल

और एरियल या फिर अर्बोरियल एक्वाटिक मतलब अडाप्टेशन फॉर द लाइफ इन वॉटर ओके लाइफ इन एयर के लिए जो होता है वो होते एरियल लिविंग ऑन द ट्रीज के लिए जो होता है वो होते अर्बोरियल पानी में जो लाइफ है उसके लिए जो मॉडिफिकेशन होंगे वो है एक्वाटिक अडाप्टेशन बर्ड्स के अंदर पाए जाते हैं एरियल एरियलेशन ओके एंड मैं बोल रहा हूं द ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग ऑन द ट्रीज उनके अंदर जो अडेप्टेशन पाए जाएंगे वो होते हैं अर्बोरियल आपको पूछा गया लिविंग ऑन द लैंड एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल उसको क्या बोलेंगे हम टेरेस्ट्रियल ऐसा बोलने वाले हैं ओके okay? तो ये जो जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था इसका राइट आंसर right होने वाला है इट विल बी ऑप्शन ए फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है सब लोगों ने मुझे दिख रहा है चैट बॉक्स में वही आंसर दिया है बहुत अच्छी बात है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव अडेप्टेशन फॉर रनिंग इज कॉल्ड डैश अडेप्टेशन फास्ट रनिंग के लिए जो अडेप्टेशन है उसको क्या बोला जाएगा फोसोरियल करसोरियल अर्बोरियल या फिर डेजर्ट चलो जल्दी जल्दी से बता दो रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में क्या आएगा इसका आंसर अडेप्टेशन फॉर रनिंग इज कॉल्ड रनिंग के लिए जो अडेप्टेशन है फास्ट रनिंग के लिए टिपिकल एग्जाम्पल हमने इसके अंदर लिया था कॉकरोच ओके सो वॉट टाइप ऑफ एडेप्टेशन इज दिस इज इट फॉसोरियल ज इट करसोरियल इज इट अर्बोरियल और इज इट अ डेजर्ट अडेप्टेशन सी द क्वेश्चन आर वेरी सिंपल क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत सिंपल है तो जल्दी जल्दी से रिप्लाई कर देना है अडेप्टेशन फॉर रनिंग इज कॉल्ड एज डैश अडेप्टेशन किस तरह के अडेप्टेशन हैं रनिंग के लिए पूछा गया है आपको फॉसोरियल करसोरियल अर्बोरियल डेजर्ट अभी तो बताया मैंने अर्बोरियल आर फॉर लिविंग ऑन ट्रीज डेजर्ट नाम में ही है डेजर्ट की लाइफ है कैमल इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ओके फॉसोरियल फॉसोरियलेशन आर फॉर लिविंग इन द बरोज रैट इज अ टिपिकल एग्जाम्पल बरोज में रहने के लिए जो है वह होता है फॉसोरियल और रनिंग के लिए जो अडेप्टेशन होता है इट इज एक्चुअली नोन एज अ करसोरियल अडेप्टेशन यह कौन सा अडेप्टेशन है आपका करसोरियल अडेप्टेशन होने वाला है ओके okay? तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव द राइट आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन बी सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है सब लोगों ने वही आंसर दिया है वेरी गुड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका सिक्स अडेप्टेशन फॉर क्लाइंबिंग एंड बैलेंसिंग ऑन द ट्रीज इज कॉल्ड चलो पहले कुछ क्वेश्चन तो अडेप्टेशन के बेसिस के ऊपर ही है तो क्या है ऑलरेडी मैं इसका आंसर दे चुका हूं आपको आंसर बता चुका हूं क्या है ये अडेप्टेशन फॉर क्लाइंबिंग एंड बैलेंसिंग ऑन द ट्रीज किस तरह का अडेप्टेशन होगा ये फोसोरियल या फिर डेजर्ट आंसर्स आने लगे हैं आपके चैट बॉक्स में बहुत अच्छी बात है ओके okay. और ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आपके सामने हैं फॉर क्लाइंबिंग एंड बैलेंसिंग ऑन द ट्रीज ज्यादा देर में नहीं रुकूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं दीस टाइप ऑफ एडेप्टन आर वेरी पॉपुलरली नोन एज एंड ियल अडेप्टेशन किस तरह का अर्बोरियल है? है मतलब यह जो क्वेश्चन है आपका सिक्स नंबर का इसके लिए राइट आंसर right होगा करेक्ट आंसर होगा इट विल ऑप्शन है वो करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर सिक्स चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन इन अर्बोरियल अडेप्टेशन एनिमल्स है एनिमल्स में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इडेड विदर टोस ऑप्शन बी में हमको दिख रहा है लॉन्ग एंड प्रिहेंसाइल टेल ऑप्शन सी में दिख रहा है लॉन्गर लूप ऑफ हेनले और ऑप्शन डी में मुझे देखने को मिल रहा है बोथ ए एंड बी वट टाइप ऑफ चेंजेस वट टाइप ऑफ एडेप्टेशन आर देर इन अरबोरियल एनिमल्स कौन से अडप्टेशन है टिपिकल एग्जाम्पल्स आर मंकीज मंकी जो है वह इसका टिपिकल एग्जाम्पल है तो हाइंड लिम्स आर प्रोवाइडेड विद लॉन्गर टोज डेफिनेटली ये होने चाहिए फॉर जंपिंग एंड बैलेंसिंग ओके लॉन्ग एंड फ्रीहेंसाइल टेल ये भी बॉडी बैलेंसिंग में यूजफुल होती है ये भी होना चाहिए और अगर ए और बी दोनों हैं तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है इट हैज टू बी इट हैज टू बी ऑप्शन डी लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए फॉर दिस क्वेश्चन नंबर सेवन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है एट डैश हैज अडेप्टेड फॉर अर्बोरियल अडेप्टेशन चलो कैमल मंकी लैबियो पीजन कौन सा एनिमल है जो अर्बोरियल अडेप्टेशन के लिए अडप्टेड है इज इट अ कैमल इज इट अ मंकी इज इट लैबियो और पीजन द क्वेश्चन आर वेरी वेरी सिंपल बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये क्या वो कैमल है क्या वो मंकी है क्या वो लैबियो है क्या वो पीजन है विच एनिमल इज शोइंग दिस अर्बोरियलेशन ओके वंस अगेन वी आर नॉट ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज मंकी मंकी इज अ टिपिकल एग्जाम्पल फॉर अरबोरियल अडेप्टेशन सब लोगों ने आंसर दिया है करेक्ट है सबका आंसर नाइन नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अडेप्टेशन फॉर द सर्वाइवल इन डेजर्ट इज कॉल्ड देखो कितने सिंपल क्वेश्चन चाहिए डेजर्ट में सर्वाइवल के लिए कौन सा अडेप्टेशन है यस फॉसोरियल करसोरियल अर्बोरियल डेजर्ट विच अडेप्टेशन इज देयर फॉर सर्वाइवल इन द डेजर्ट यस इज इट फॉसोरियल इज इट करसोरियल इज इट अर्बोरियल और इज इट अ डेजर्ट अडेप्टेशन किस तरह का अडेप्टेशन होगा फॉसोरियल करसोरियल अर्बोरियल या फिर डेजर्ट अडेप्टेशन जल्दी जल्दी से रिप्लाई कर देना है बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आ चुके हैं ओके okay, नाम में ही उसका आंसर है डेजर्ट में अगर सरवाइव होना है ओके okay, तो डेफिनेटली कौन से टिपिकल एग्जाम्पल इज कैमल कैमल के अंदर पाए जाते हैं ओके okay, चलो डैश हैजैप्टेड फॉर डेजर्ट अडाप्टेशन वही क्वेश्चन है कौन सा एनिमल जो है वो डेजर्ट अडेप्टेशन के लिए अडेप्टेड है कैमल मंकीन कैमल में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सब लोगों को पता है ओके पीठ के ऊपर इज इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑफ दिस टाइप टिश्यू टिश्यू एडिपोस अगर हम किडनी को ऑब्जर्व करते हैं तो किडनी हैज अ लॉन्गर लूप ऑफ हेनले सो दैट देर इज मैग्म एब्जॉर्न ऑफ वॉटर एंड लेस वॉटर इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन एक्चुअली कैमल एक्सक्रीट हाइपरटोनिक यूरिन कैमल से बॉडी के बाहर जो यूरिन जाता है कॉन्सेंट्रेटेड हाइपर्टोनिक है, है क्योंकि मैक्सिमम वाटर यूरिन से क्या हो चुका है कैमल डेजर्ट अडेप्टेशन जो है वो सब आपको कहां पर देखने को मिलेंगे कैमल में देखने को मिलेंगे तो ये जो टेन नंबर का क्वेश्चन था आपके सामने इसका जो राइट right आंसर होने वाला है करेक्ट आंसर होने वाला है इट विल बी ऑप्शन ए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलो सारे क्वेश्चन जो है वो अडेप्टेशन के ऊपर है मोस्टली और बहुत सिंपल सिंपल है अडेप्टेशन फॉर एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बोलो क्या आएगा अडेप्टेशन फॉर एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड क्या है वो अर्बोरियल डेजर्ट एक्वाटिक और वोलांट यहां पे मैंने बोला था आपको टिपिकल एग्जांपल इज फिश एक्वाटिक लाइफ के लिए जो अडेप्टेशन है सो बॉडी इज स्ट्रीमलाइन स्पिंडल शेप बॉडी को जो बोला जाता है स्ट्रीमलाइन बॉडी है या स्पिंडल शेप है दिस इज गोइंग टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ वॉटर एट द टाइम ऑफ स्विमिंग स्विमिंग के टाइम पे वॉटर का रेजिस्टेंस ये कम करेगी ओके एग्जोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स एग्जोस्केलेटन कौन से फॉर्म में स्केल्स के फॉर्म में प्रेजेंस ऑफ फिंस फॉर लोकोमोशन लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट होते, है? होते हैं फिन्स होते हैं ओके रेस्पिरेशन के लिए वहां पर प्रेजेंट होते हैं गिल्स तो ये सारे जो है दीज आर द देशन फॉर एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ टिपिकल एग्जाम्पल इज फिश एंड दे आर वेरी पॉपुलरली नोन एज एन एक्वाटिक एक्टिकेशन इनको हम पॉपुलरली क्या बोलने वाले हैं एक्वाटिक एक्वाटिकेशन ऐसा बोलने वाले हैं तो ये जो क्वेश्चन था आपके सामने क्वेश्चन नंबर इलेवन द राइट आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन सी सब लोगों ने वही आंसर दिया है बहुत अच्छी बात है ओके okay, मैं जा रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ विच अडेप्टेशन इज सीन इन फीशेस कौन सा अडेप्टेशन आपको फिशेस में देखने को मिलेगा ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं इज इट होलो बोन्स इज इट स्ट्रीम लाइन बॉडी एंड स्केल्स इज इट द प्रेजेंस ऑफ टीथ और प्रेजेंस ऑफ ऑपरकुलम विच अडेप्टन इज सीन इन द फिश बहुत सिंपल है ये हॉलो बोन्स यू कैन फाइंड इन द बर्ड्स होलो बोन जो है वो आपको बर्ड्स में देखने को मिलेंगे वेट फॉर द फ्लाइट फ्लाइंग के लिए जो वेट है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा एग्जोस्टर इन दम ऑफ इधर्स ओके एबसेंस ऑफ टीथ ये सारे आपके वोलांट अडेपेशन होते हैं एरियल मोड ऑफ लाइफ के लिए जो एरियल मोड ऑफ लाइफ के लिए अडाप्टेशन होता है उसको क्या बोलते हैं वोलांट अडेप्टेशन यहां पर आपको पूछा गया फीशेस के बारे में तो पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा लेकिन अभी दो मिनट पहले मेरे बताया आपको कि फीशेस है स्ट्रीम लाइन बॉडी एंड स्केल्स फिशेस में एक्सोस्केलेटन कौन से फॉर्म में है आपके स्केल्स के फॉर्म में और मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रीमलाइन बॉडी है ओके okay? तो स्ट्रीमलाइन बॉडी का फायदा क्या है इट इज गोइंग टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर फॉर द पर्पज ऑफ स्विमिंग स्विमिंग के पर्पज के लिए जो वॉटर का रेजिस्टेंस है उसको कम करने का काम जो है वो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी करेगी तो ये जो आपका ट्वेल्व नंबर का क्वेश्चन है राइट आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन बी सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन है नंबर थर्टीन चलो जल्दी जल्दी रिप्लाई कर देना है क्या आएगा बोलो यस अडेप्टेशन फॉर फ्लाइंग इज कॉल्ड फ्लाइंग के लिए जो अडेप्टेशन है उसको क्या बोला जाता है फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है क्या वो अर्बोरियल अडेप्टेशन है क्या वो डेजर्ट अडेप्टेशन है क्या वो एक्वाटिक है या फिर वोलांट अडेप्टेशन है विच अडेप्टेशन इज देयर फॉर फ्लाइंग इज इट अर्बोरियल इज इट डेजर्ट एक्वाटिक या फिर वोलांट ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी बता चुका हूं द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी कौन सा अडेप्टेशन होगा वोलांट एडेप्टेशन होने वाला है ओके okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है फोर्टीन हॉलो बॉडी विद द न्यूमैटिक और स्पॉन्जी बोन्स आर शोन बाय चलो हॉलो बॉडी है विथ न्यूमैटिक बोन्स ओके, और ओकेजी बोन्स न्यूमैटिक का मतलब है हॉलो न्यूमैटिक का मतलब होता है कौन सी बॉडी सॉरी oh, कौन से बोन्स

तो रिप्लाई करो चलो वेट कर लेते हैं सब लोगों के रिप्लाई के लिए जल्दी जल्दी बोलना है कि क्या आएगा आंसर इसका चैट बॉक्स में आपका रिप्लाई डालना है आपको जल्दी जल्दी लेफ्ट ओवरी है और लेफ्ट ओविडक्ट है तो ये कहां पे देखने को मिलता है ये सब लोगों को पता है अगर वो के लिए होगा, तो ये अडेप्टेशन आपको कहां पे देखने को मिलेगा बर्ड्स के अंदर तो ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन है राइट आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन बी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 16 एन इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स और स्पेसीज इन व्हिच फिटनेस ऑफ वन ओवरपावर्स द प्रेजेंस ऑफ अनादर चलो पांच टाइप के इंटरेक्शंस पढ़ाए थे मैंने कंपटीशन ओके पैरासिटिज्म म्यूचुअलिज्म कॉमन्सैलिज्म याद होगा थोड़ा सा ओके एंड प्रेडेशन तो अभी उस टॉपिक के बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं इंटरेक्शन बिटवीन दर्गेनिजम्स ऑफ स्पेसीज वेयर प्रेजेंस और फिटनेस ऑफ वन ओवर पावर द प्रेजेंस ऑफ अनादर एक का फिटनेस दूसरे के प्रेजेंस को ओवर पावर कर सकता है क्या उस कॉम्पिटिशन को बोला जाएगा इज इट म्यूचुअलिज्म इज इट कॉम्पिटिशन और इज इट अ पैरासिटीजम क्या वो पैरासिटीज्म क्या वो कॉम्पिटिशन होगा क्या वो कॉमेसालिज्म होगा या फिर होगा म्यूचुअलिज्म okay. yes, चलो जल्दी जल्दी बोलना है इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम ऑफ स्पेसीज़ इन विच द फिटनेस ऑफ वन ओवर पावर द प्रेजेंस ऑफ अनदर ओके सी वेरी पॉपुलरली दिस टाइप ऑफ इंटरक्शन इज नोन एज अ कॉम्पिटिशन इस तरह के इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं कॉम्पिटिशन ऐसा बोलते हैं अभी एक चीज ध्यान में रखनी है चार चीजें बताने वाला हूं ओके इफ द कॉम्पिटिशन ऑकर्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पेसी अगर यह कॉम्पिटिशन सेम स्पेसी के मेंबर्स में हो रही है तो इसको बोला जाता है इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्या बोलेंगे इसको हम इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ओके इफ कॉम्पिटिशन ऑकर्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज अगर अलग अलग मेंबर्स में हो रही है डिफरेंट स्पेसिस के मेंबर्स में कॉम्पिटिशन है तो दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इसको क्या बोलना है इंटर स्पेसिफिक इफ द कॉम्पिटिशन ऑकर्स डायरेक्टली अगर कॉम्पिटिशन डायरेक्टली हो रही है ओके तो दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन कॉम्पिटिशन इसको आपको क्या बोलना है एक्सप्लॉयटेशन कॉम्पिटिशन ऐसा बोल सकते हो एंड समटाइम कॉम्पिटिशन ऑकर्स इनडायरेक्टली अगर कॉम्पिटिशन जो है वो इनडायरेक्टली हो रही है इसको क्या बोलेंगे हम? ऐसा बोलने वाले हैं, okay? तो ये चार टाइप आपको पता होने चाहिए. सेम स्पेसिस में होगा तो इंट्रास्पेसिफिक डिफरेंट स्पेसिस के मेंबर्स में होगा तो इंटर स्पेसिफिक अगर डायरेक्टली होगा तो एक्सप्लाइटेशन और अगर इनडायरेक्टली होगा तो इंटरफरेंस पॉसिबल है अगले क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है two closely related species competing for the same resource cannot coexist indefinitely and competitively inferior will be eliminated eventually this statement is चलो कौन बताएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सिंपल है मैं क्वेश्चन का मतलब बता देता हूं अगर दो closely related species एक ही रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं तो उनका को एग्जिस्ट करना इंपॉसिबल है इसमें कंपटीशन के बाद जो इंफेरियर होगा वो कंपटीशन से इलिमिनेट हो जाएगा रिमूव हो जाएगा ओके okay? इसको क्या बोला जाता है बहुत सारे लोग जो है ये ऑप्शन ए पे आ चुके हैं चार्ल्स डार्विंस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थियरी ओके तो क्या होगा ये थे ऑफ गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या फिर म्यूटेशन थियरी क्या आंसर चलो yes, चलो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी था इसलिए मुझे यहां पे दो आंसर्स देखने को मिल रहे हैं लेकिन बच्चों डार्विन का जो कंसेप्ट है वो पूरा अलग है सर्वाइवल ऑफ फिटेस जो है ना वो अलग है ओके okay, ये जो स्टेटमेंट है जो आपके सामने आपको दिख रहा है द टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज आर कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैनॉट को एग्जिस्ट इनडिफाइटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते को नहीं कर सकते एंड जो इनफेरियर है वो क्या हो जाएगा दिस इज अटेटमेंट ऑफ दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पूरा का पूरा एज इट इज उन्होंने छापा हुआ यहां पर यह जो स्टेटमेंट है इसको क्या बोला जाता है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऐसा बोला जाता है तो ये आपको ध्यान में रखना है तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द राइट आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन सी सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है सब लोगों को समझ में आ गया ये ओके okay, अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलो the interference competition occurs directly between the individuals where चलो ये जो इंटरफरेंस नाम की कंपटीशन है वो कौन से इंडिविजुअल्स में डायरेक्टली होगी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो स्पेस के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो और वन इंडिविजुअल इज प्रिवेंटिंग द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्डर टू स्पेसीज एव ए कॉमन प्रे दो स्पेसीज का प्रे जो है वो कॉमन है या फिर टू सेपरेट स्पेसीज शेयर द सेम रिसोर्स इन द सेम एरिया यस चलो इसको आंसर करो चलो अभी 18 नंबर को जल्दी जल्दी आपको पूछा गया है द इंटरफरेंस कॉम्पिटिशन ऑकर्स डायरेक्टली बिटवीन द इंडिविजुअल्स वेयर कौन से इंडिविजुअल्स में ये कॉम्पिटिशन होगी इंटरफरेंस वाली ओके इज इट ऑर्गेनिजम्स कॉम्पिटिंग फॉर द सेम स्पेस इज इट वन इंडिविजुअल प्रिवेंटिंग द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अदर इज इट टू स्पेसिज है कॉमन प्रे ओके और टू सेपरेट स्पेसीज शेयरिंग द सेम रिसोर्स इन द सेम एरिया बहुत सिंपल है ये और एंसर भी आ रहे हैं सब लोगों के एंड दे आर गेटिंग इट राइट आंसर जो है वो करेक्ट भी आ रहा है यस स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आपको क्लियरली दिख रहा है यस yes. स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है क्या वो क्लियरली विजिबल है यस और नो रिप्लाई करो चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से बोलना है चलो फटाफट रिप्लाई कर दो ठीक है चलो मुझे लगा था कि थोड़ा सा यहां पे कुछ गड़बड़ है लेकिन आपको अगर दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या बात है वेरी गुड ओके तो ये जो आपका क्वेश्चन क्वेश्चन है नंबर राइट आंसर इज ऑप्शन डी लास्ट वाला ऑप्शन जो करेक्ट है ओके okay, सब लोगों ने वही आंसर दिया है टू सेपरेट स्पेसिस शेयर द सेम रिसोर्सेज इन द सेम एरिया देन इज टाइप ऑफ इंटरफरेंस कॉम्पिटिशन तो 18 नंबर का क्वेश्चन जो है लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा ओके वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लाइटेशन कॉम्पिटिशन ऑकर्स इन डायरेक्टली वेयर जो एक्सप्लाइटेशन कॉम्पिटिशन है वो कहां पर होगी ऑर्गेनिजम्स कॉम्पिटिंग फॉर द कॉमन स्पेस वन इंडिविजुअल प्रिवेंटिंग द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्डर टू स्पेसीज हैव ए कॉमन प्रे सेम ऑप्शन से एक्चुअली ओके और लास्ट में हमको दिख रहा है टू सेपरेट स्पेसीज शेयरिंग द सेम रिसोर्स इन द सेम एरिया यस अभी क्या होगा एक्सप्लाइटेशन कॉम्पिटिशन ये किसके बीच में होगी अभी चलो रिप्लाई करो ऑर्गेनिजम्स कॉम्पिटिंग फॉर द कॉमन स्पेस वन इंडिविजुअल प्रिवेंटिंग द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑदर ओके बाद में हमको दिख रहा है टू स्पेसीज है कॉमन प्रे एंड लास्टली होगा टू सेपरेट स्पेसीज शेयर द सेम रिसोर्सेस इन द सेम एरिया सिंपल है यस yes, बोलो जल्दी जल्दी एक्सप्लाइटेशन कॉम्पिटिशन की अगर बात हो रही है तो दिस इज गोइंग टू हैपन इन द टू स्पेसिस विच आर हैविंग द कॉमन प्रे कॉमन प्रे जहां पे होगा वहां पे ये कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलेगी ओके okay? तो ये जो आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है द राइट आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन सी ओके वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 20 द एपर कॉम्पिटिशन ऑकर्स बिटवीन द टू स्पेसीज विच चलो एक नया टाइप है कॉम्पिटिशन का अपरेंट कॉम्पिटिशन तो चलो चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा यस yes. जल्दी जल्दी से रिप्लाई करना है क्या आएगा बोलो यस व्हाट इज किसका बोल रहे हो शुभम द एपरंट कॉम्पिटिशन ऑकर्स इनडायरेक्टली बिटवीन द टू स्पेसिस विच कॉम्पीट फॉर द स्पेस हैव अ कॉमन प्रे फाइट फॉर द सेम रिसोर्स या फिर शेयर द सेम रिसोर्सेस इन द सेम एरिया यस, बोलो जल्दी जल्दी क्या आएगा 19 का ओके okay, नहीं 19 का आंसर जो है वो सी आएगा शुभम ओके okay, चलो इस क्वेश्चन को आंसर करो एपरेंट कंपटीशन के बारे में बात हो रही है इनडायरेक्टली हो रहा है कंपटीशन ओके okay, और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि दिस कॉम्पिटिशन इनडायरेक्टली एंड हियर ऑल्सो दे हैव और एक्चुअली जो प्रे होता है वो कॉमन होता है प्रीडेटर का जो प्रीडेटर है उसका प्रे अगर क्या होगा कॉमन होगा ओके okay, तो उनके बीच में जो कॉम्पिटिशन होती है उसको बोला जाता है एपरेंट कॉम्पिटिशन ओके तो ये जो आपका ट्वेंटी नंबर का क्वेश्चन यहां पे आपको दिख रहा है इसका जो राइट right आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन बी सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होने वाला है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ओके क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी वन कॉम्पिटिशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द टू सेपरेट स्पेसीज फॉर शेयरिंग द सेम रिसोर्सेज इन द सेम एरिया चलो ये थोड़ा सिंपल है अभी एपरेंट वाले भूल जाओ एपरेंट आपके सिलेबस में भी नहीं है शायद ओके सो डोंट वरी अबाउट दैट वो जो एपरेंट कॉम्पिटिशन का okay, क्वेश्चन में नहीं है old syllabus में था, okay, so forget about that question, इस question को solve करो, ये ये तो बहुत simple है, ये आना चाहिए, क्या है कॉम्पिटिशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ इसके ऊपर फोकस करना है ये दो चीजों के ऊपर ओके okay, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पे, और वो है आपका कौन सा टू सेपरेट स्पेसीज यस तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था अगर कंपटीशन दो सेपरेट स्पेसीज के बीच में हो रहा है फॉर शेयरिंग द सेम रिसोर्स इन द सेम एरिया तो उसको हम क्या बोलेंगे कंपटीशन विच इज ऑकरिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ टू सेपरेट डिफरेंट स्पेसीज इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्या बोलते हैं इसको इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ऐसा बोला जाता है तो ये जो क्वेश्चन है आपका ट्वेंटी वन नंबर का द राइट आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन डी लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी टू बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन वेच ईच इंडिविजुअल रिसीव बेनिफिट यह भी बहुत सिंपल है एक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंट स्पेसीज के जहां पे दोनों इंडिविजुअल्स का फायदा होता है बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड दोनों पार्टनर जो है वो बेनिफिटेड होंगे क्या वो कॉमेनसालिज्म होगा क्या वो एमेंसलिज्म होगा क्या वो पैरासिटिज्म होगा ओके okay. या फिर म्यूचुअलिज्म होगा यस yes. जल्दी जल्दी बोलो क्या होने वाला है बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स

ओके okay, तो एग्जाम्पल बेस क्वेश्चन आएंगे सामने ओके okay, देख लेते हैं क्या है ट्वेंटी थ्री नंबर का क्वेश्चन सोल्व करते हैं फिलहाल right है वही क्वेश्चन जो है वो रिवर्स करके पूछा गया है जो अभी आपने सोल्व किया दो मिनट पहले म्यूचुअलिज्म इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पेसीज़ इन विच वॉट एपन बोथ लिव टूगेदर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बोथ आर बेनिफिटेड में में. दिख रहा है. क्या होगा? Mutualism में, अभी एक पहले या दो मिनट पहले आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया म्यूचुअलिज्म के वही क्वेश्चन अभी उल्टा करके पूछा गया उन्होंने ही बोला था कि दोनों के दोनों बेनिफिटेड होते हैं ऐसे इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं आपने आंसर दिया था म्यूचुअलिज्म पूछ रहे कि म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन वेयर टू स्पेसिज सो डेफिनेटली र बेनिफिटेड फ्रॉम ईच ऑदर दोनों के दोनों स्पेसीज जो है वो एक दूसरे से क्या होंगे बेनिफिटेड होंगे उनको कुछ ना कुछ तो फायदा होने वाला है ओके okay, तो यह जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है ट्वेंटी थ्री द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं म्यूचुअलिजम इज अकाइंड ऑफ इंटरैक्शन किस तरह का इंटरक्शन है पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक निगेटिव इंटरस्पेसिफिक पॉजिटिव इंट्रास्पेसिफिक निगेटिव इंट्रास्पेसिफिक चलो बहुत सिंपल है ये। कौन देगा इस क्वेश्चन का आंसर म्यूचुअलिज्म अगर दोनों बेनिफिट हो रहे हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव है अगर दोनों का फायदा हो रहा है तो मैं बोल रहा हूं डेफिनेटली किस तरह का इंटरेक्शन है पॉजिटिव तो पॉजिटिव आपको दो ऑप्शंस में दिख रहा है अभी आपको सिर्फ डिसाइड करना है क्या वो इंटर स्पेसिफिक है या फिर इंट्रास्पेसिफिक है एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं ओके okay, तो माइकोराइजा ये एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम ये माइकोराइजा क्या है सब लोगों को पता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स किसकी पार्टनरशिप है फंगाई की और हायर प्लांट्स के रूट्स की ओके फंगस विल गेट द फूड शेल्टर ओके एंड रूट्स के लिए सरफेस एरिया विल इंक्रीज फॉर एब्जॉर्प्शन दोनों का फायदा है और आपके सामने है हायर प्लांट इज अ डिफरेंट स्पेसिज फंगाई इज अ डिफरेंट स्पेसिज तो दो अलग अलग स्पेसिज में होने वाली इंटरेक्शन है जिसमें दोनों का फायदा हो रहा है दोनों का फायदा हो रहा है इसीलिए तो अगर डिफरेंट स्पेसिज में होगी तो कौन से कैटेगरी में जाएगी इंटर स्पेसिफिक की कैटेगरी में तो सब लोगों ने जो आंसर दिया है वो बहुत ही ज्यादा करेक्ट है ये जो क्वेश्चन आपके सामने था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर राइट आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन ए पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इट्स अ पॉजिटिव एंड इंटर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरेक्शन अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव दिखाज प्रोड्यूस्ड बाय द डैश इन द इंटेस्टाइन चलो ये जो अंगट्स होते हैं ये बेनिफिट होंगे कहां से फ्रॉम द सेल्यूलेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डैश इन द इंटेस्टाइन उनके इंटेस्टाइन में सेल्यूलोस कौन प्रोड्यूस करता है क्या वो वायरस है क्या वो बैक्टीरिया है क्या वो फंगस है ओके okay, या फिर वो प्रोटोजोआ है सेल्यूलेज प्रोड्यूस कौन करेगा यस yes. जल्दी जल्दी क्या है जल्दी बोलना है चलो अंगुलेट्स का मतलब पूछ रहा है कोई अंग्यूलेट्स का मतलब हुफ एनिमल्स जिनके पैरों में क्या होते हैं हुफ होता है या फिर हुफ्स होते हैं मराठी भाषा मध्य अपन मन तो पायरा जनचा खूर सो so, आपके हॉर्सेस काउज बफेलोज डोंकीज ओके ये सारे एनिमल जो हैं है okay? इसमें डियर भी आ सकता है गेट माई पॉइंट ओके सो दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर नोन एज अंगट्स ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं अंग्यूलेट्स ऐसा बोलते हैं ओके okay? तो अंग्यूलेट्स जो है वो सेल्युलेस से बेनिफिट होते हैं और उनके इंटेस्टाइन में ये सेल्युलेस बनाने का काम कौन करता है ये आपको पूछा गया ये भी म्यूचुअलिज्म का ही example है। फंगस तो या फिर बहुत ही है। नहीं किया है तो आंसर कर देता हूं इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं कुछ बैक्टीरिया हमारे भी इंटेस्टाइन में होते हैं आर सम गुड बैक्टीरिया इन द गट हमारे गट के अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं स्पेसिफिकली ई लाइ ओके सो so, जो हमको डाइजेशन के प्रोसेस में मदद करने वाले हैं तो मैं बोल रहा हूं अंगिलेट्स के अंदर भी जो सेल्युलेस बन रहा है ओके okay, वो सेल्यूल उनके इंटेस्टाइन में कौन बनाते हैं कुछ बैक्टीरियाज होते हैं तो ये जो क्वेश्चन था ट्वेंटी का राइट आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन बी सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलो इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं ओके okay, ज्यादा देर में इस क्वेश्चन के ऊपर नहीं रुकूंगा माइकोराइजा इज एन एक्साम्पल ऑफ माइकोराइजा जो है वो किसका एग्जाम्पल है इज इट पैरासिटिज्म इज इट प्रिडेशन इज इट म्यूचुअलिज्म और कॉम्पिटिशन चलो जल्दी जल्दी बता दो क्या है माइकोराइजा किसका एग्जाम्पल है पैरासिटिज्म का प्रिडेशन का म्यूचुअलिज्म का या फिर कॉम्पिटिशन का वट टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज दिस माइकोराइजा इज डेफिनेटली माइकोराइजा मैंने आपको बोला था सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स

जो इस माइक्रोराइजल रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करते हैं ओके ट्वेंटी परसेंट थर्टी टू परसेंट फोर्टी एट परसेंट या फिर सिक्सटी परसेंट चलो कौन बताएगा आंसर मोर देन डैश परसेंट ऑफ लैंड प्लांट्स डिपेंड ऑन माइक्रोराइजल रिलेशनशिप जल्दी जल्दी बोलो चलो किसी का आंसर नहीं दिख रहा है मुझे फिलहाल गेस करो चलो गेस कर लो देखते हैं कितने लोगों का गेस सही आता है रिप्लाई आने में टाइम लग रहा है इसका मतलब पता नहीं है आपको मैं बोल रहा हूं चलो गेस करते हैं देखते हैं कि आपका लक कितना साथ देता है आपको वैष्णवी ने डी किया है देवेश को बी लग रहा है शुभम को ए लग रहा है यस चलो सब लोगों ने करना है गैस करो कितने होंगे मयूर को बी लग रहा है श्रुति को डी लग रहा है मृणाल को ए लग रहा है लौकिक को सी लग रहा है प्रतीक सेइंग बी उल्केश को डी लग रहा है शिव प्रसाद सी कह रहा है डी दाक्षणी को बी लग रहा है जयेश को भी बी लग रहा है प्रणव को ए लग रहा है क्या बात है हर्षली को डी लग रहा है आकांक्षा ए आकाश को लग रहा है डी चलो वैष्णवी को लग रहा है ए दिति को लग रहा है ए वेरी गुड चलो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा लेसन है इस क्वेश्चन के लिए ओके और इस क्वेश्चन के थ्रू एक बहुत अच्छा लेसन हम ले सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर जो है वो क्या है ऑप्शन सी है तो लेसन लर्न ये है इस क्वेश्चन से ओके गैस के ऊपर नसीब के ऊपर लक के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए ओके सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है पढ़ोगे तो राइट आएगा ओके लक के ऊपर डिपेंड रहोगे तो देखो बहुत सारे लोगों की गलती हुई है बहुत सारे लोगों की ओके ऑलमोस्ट नाइनटी नाइन परसेंट लोगों ने गलत आंसर दिया है गैस करने के बाद ओके तो मैं वापस एक बार बोल रहा हूं लेसन लर्न है गेसिंग के थ्रू मार्क्स नहीं आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में गैस करने से लकी होने से कुछ नहीं होने वाला ओके okay. आपको पढ़ना पड़ेगा डेफिनेटली रिजल्ट आएगा क्या बात है ओके ट्वेंटी सेवन नंबर का जो क्वेश्चन है राइट आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी एट चलो ट्वेंटी एट नंबर का क्वेश्चन है द फ्राज शेयरिंग ऑफ फूड और शेयरिंग द टेबल इज यूज टू डिस्क्राइब ये जो फ्राज हमने यूज किया है कौन सा शेयरिंग द फूड और शेयरिंग द टेबल इज यूज टू डिस्क्राइब किसको डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉमेन्सालिज्म म्यूचुअलिज्म पैरासिटिज्म या फिर अमेनसालिज्म चलो जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है <coughs> जल्दी से चलो फटाफट क्या आएगा बोलो द फ्रॉस शेयरिंग द फूड और शेयरिंग द टेबल शेयरिंग द फूड और शेयरिंग द टेबल नौ सी नहीं आ सकता बेटा मयूर को लग रहा है बी तनमय को लग रहा है सी लौकिक को लग रहा है यहां पे भी मुझे गड़बड़ दिख रही है पैरासिटिज्म कैसे आएगा शेयरिंग द फूड और शेयरिंग द टेबल <coughs> क्या आएगा चलो थोड़ा सा सोचो यस yes, मैं वेट कर रहा हूं आपके क्वेश्चन के लिए सॉरी आंसर के लिए सॉरी फॉर दिस जल्दी जल्दी से रिप्लाई करना है यस yes. थोड़ा सा सोच के बताओ अभी ट्रैक पे आ रहे आंसर्स आप लोगों के द टर्म शेयरिंग द फूड और शेयरिंग द टेबल ये हमने कहां पे लिया था कहां पे इस्तेमाल किया था दिस वी हैव फॉर अ रिलेशनशिप कॉल्ड कॉमेंसैलिज्म कॉमेंसैलिज्म का मतलब क्या होता है द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पेसीज वेयर वन पार्टनर इज बेनिफिटेड अदर इज न्यूट्रल एक पार्टनर जो है वो बेनिफिट लेगा दूसरा पार्टनर जो है वो न्यूट्रल रहेगा उसको ना फायदा होगा ना नुकसान होगा एंड इसी के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं शेयरिंग द फूड और शेयरिंग द टेबल तो ये जो ट्वेंटी एट नंबर का क्वेश्चन है राइट आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन ए दैट इज कॉमनसाजम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन द ऑर्चिड ग्रोइंग एज एन इपी ऑन अ ट्री इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ चलो ये जो ऑर्चिड की बात हो रही है ग्रोइंग ऑन अ ट्री ये देखो यहां पे मान लो कि ये आपका ट्री है ये इसकी ब्रांच है और यहां पे एक प्लांट ग्रो कर रहा है नाउ दिस इज एन ऑर्चेड प्लांट ग्रोइंग ऑन अनदर प्लांट इज नोन एज इपी एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट जब ग्रो करेगा ओके okay, तो उस प्लांट को क्या बोलते हैं इपी ऐसा बोलते हैं ओके okay, तो ये यह यहां पे क्यों गया है जस्ट टू गेट द सनलाइट क्योंकि शेडी एरियाज में फॉरेस्ट में इसको नीचे सनलाइट नहीं मिल पाता है ओके ओवर शेडोड बाई डिफरेंट प्लांट्स तो क्या आएगा रिप्लाई करो चलो जल्दी जल्दी श्रुति बेटा एक बार चेक करो बहुत सिंपल है ये जो है है की बात हो रही है। तो मैं बोल रहा हूं कि प्लांट ग्रोइंग ऑन अन प्लांट इज नोन एज ये यहां पे क्यों गया हुआ है ऊपर क्यों ग्रो हुआ है क्योंकि उसको क्या चाहिए सनलाइट ये जो है वो खुद ग्रीन है ये खुद का फूड खुद बना सकता है इसके जो रूट्स होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं वो एटमोस्फियर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो पानी के लिए भी डिपेंड नहीं है इसके ऊपर फूड के लिए भी नहीं है तो यहां पे ग्रो होने के बाद इस ऑर्चिड का फायदा यह है कि उसको सनलाइट मिल रहा है लेकिन जिस प्लांट के ऊपर वो ग्रो हुआ है उस प्लांट को इस ऑर्चिड से ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है जिस प्लांट के ऊपर ये ग्रो हुआ है उस प्लांट को इस ऑर्चिड से ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है मतलब ये जो ट्री है वो कैसा है न्यूट्रल पार्टनर है ऑर्चिड जो है वो ऐसा पार्टनर है जो बेनिफिट डिराइव कर रहा है वन पार्टनर बेनिफिटेड अदर इज न्यूट्रल ओके दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉमनशालिज्म इस इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं हम कॉमेंसलिजम ऐसा बोलते हैं तो ट्वेंटी का जो क्वेश्चन है पायलट फिश रेमोरा ऑलवेज अंपनी डैश फॉर द फीडिंग ऑन फॉलिंग पीसेस ऑफ फूड ये जो पायलट फिश की बात हो रही है रेमोरा की वो हमेशा किसके साथ रहती है शार्क के साथ हर्मिट क्रैप के साथ लैबियो के साथ या फिर गोल्डन फिश के साथ ओके okay, मैंने बोला था आपको इट विल फीड ऑन द फॉलिंग ऑफ द फूड जब वो फिश शिकार करेगी ओके okay, तो कुछ पीसेस जो है वो इधर उधर जाएंगे उनके ऊपर ये फीड करते हैं। पायलट फिश रेमोरा तो ये हमेशा किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं दे आर एसोसिएटेड विथ वॉट शार्क हरमिट क्रैब लैबियो या फिर गोल्डन फिश ओके बहुत सिंपल है सब लोगों ने आंसर दे दिया है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज पायलट फिश हमेशा shark के साथ एसोसिएट होगी फॉर फीडिंग ऑन द द पीसेस ऑफ फूड ओके तो ये थे आपके आज के लेक्चर के कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन ओके कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इसी चैप्टर के साथ हम कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर के लिए आपके लिए एक सजेशन है छोटा सा इजुलेशन एट्रीब्यूट पॉपुलेशन के जो एट्रीब्यूटेलिटी मोर्टेलिटी एज स्ट्रक्चर ओके पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन क्या होता है डेमोग्राफी क्या होता है ये सारी चीजें जो है ये आपको रिवाइज करनी है ओके यस पॉसिबली कल से आपके लेक्चर जो है वो एमएस टीम्स के ऊपर हो सकते हैं तो जैसे आपके ग्रुप के ऊपर आपको मैसेज आ चुका होगा आपको एमएस टीम्स ये ऐप आप आपके मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और उसको कैसे ऑपरेट करना है इसका एक वीडियो भी ग्रुप के ऊपर हमने शेयर किया है तो वो वीडियो एक बार आपको देख लेना है और वही ग्रुप के ऊपर आपको एक पीडीएफ भेजी गई है जहां पे आपको आपके एमएस टीम ऐप का लॉग इन आईडी और पासवर्ड भी भेजा गया है ऑलरेडी वो क्रिएट हो चुका है आपके लिस्ट में आपको आपका नाम देखना है आपके नाम के आगे, आगे आपका लॉग इन आईडी भी होगा पासवर्ड भी होगा प्रॉपरली सारे क्रिडेंशियल आपको एंटर करने हैं ओके और वो जो चीजें हैं वो आज के आज आपको खत्म करनी है क्योंकि पॉसिबल है कल का जो आपका लेक्चर होगा इट मे बी ऑन एमएस टीम्स ऐप वो आपके एम एस टीम एप के ऊपर होगा टाइम टेबल में मैंशन होगा तो उस ऐप को डाउनलोड कर लो जो वीडियो है वो शेयर किया उसको देख लो कैसे ऑपरेट करना है सिंपल है जस्ट लाइक जूम ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है लेकिन हमको थोड़ा सा मॉनिटर करना इजी होगा क्योंकि वो ऐप जो है ना वो प्रॉपर करेक्ट टाइमिंग बताएगा कि आप कितने देर लेक्चर में प्रेजेंट है कब ज्वाइंट हुए कब लेफ्ट हुए टाइम के साथ सब रिकॉर्ड जनरेट होगा तो थोड़ा सा हम ये सोच रहे हैं आप लोग सीरियसली लेक्चर को अटेंड नहीं करते हो इसीलिए ये थोड़े से चेंजेस होने वाले हैं ओके okay, हम चाहते हैं कि आपका सीरियसनेस बना रहे आखिर तक एंड तक अगर ये सीरियसनेस आखिर तक रहेगा तो ही रिजल्ट आएंगे अदरवाइज रिजल्ट आना तो इम्पॉसिबल है और कोविड में इतना डिले होने के बाद तो आ ही नहीं सकते इफ यू आर नॉट सीरियस ओके मैंने बोला था रिजल्ट बनता है बिगड़ता है आखिर के दो महीनों में पूरे दो साल मेहनत कर ली है ओके आखिर के दो महीने में टाइम पास हो गया ओके पूरा दो साल का मेहनत खराब हो जाएगा कितना भी अच्छा पढ़े हो कितना भी सीरियसली पढ़े हो लास्ट टू मंथ्स लास्ट वन मंथ लास्ट लास्टी डेज ओके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वहां पर पढ़ लिया प्रॉपरली आखिर तक कंटिन्यू कर लिया ओके तो रिजल्ट आएगा तो सक्सेसफुल हो जाओगे ओके लास्ट के दो महीने में गड़बड़ कर दी सब पानी फिर जाएगा पूरा चौपट हो जाएगा सारा ओके तो आज के लेक्चर के लिए यहां पे रुकेंगे कल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है यही चैप्टर कंटिन्यू रहेगा क्या रिवाइज करना है वो भी बता दिया है फिलहाल आज के लेक्चर के लिए यहां पर रुकेंगे नेक्स्ट पार्ट विल हैव इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू वेरी मच